ब्रह्मनपुर से नहाने गए टेढ़ीघाट नदी पर कई बच्चे। जानकारी के अनुसार नहाते समय एक बच्चे की नदी में डूबकर हुई दर्दनाक मौत, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। डूबा बच्चा ब्रह्मनपुर के मुनेर सक्सेना का बड़ा बेटा बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर SDM निगासन OP गुप्ता, क्राइम इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह व भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। सूचना पाकर NDRF व PSC टीम स्टीमर के साथ मौके पर पहुंची। काफी खोजबीन व कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी भी शव बरामद नहीं हुआ। टीम का अभी भी प्रयास जारी है। वही मामले को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम भैया? रवि कुमार। आगे क्या लिखते हैं? सक्सेना। अच्छा, ये जो बच्चा डूबा है अभी यही नदी पे, मौके पे जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे डूबा है, तो कैसे क्या हुआ इसका मामला? बच्चे नहा रहे थे, छोटे छोटे थे, और मतलब नहाते ना तो पैर फिसल गया हो या तो धार में आ गया और संभाल नहीं पाया, वहीं आके डूब गया। ये बच्चा आपका कौन था? ये हमारा भाई था। भाई था? अच्छा लड़का। अच्छा, तो कितने घंटे पहले का ये मामला है जब डूबा था बच्चा? 2-2.5 घंटे पहले। अच्छा, तो अभी तक क्या कोई प्रशासन द्वारा कोई टीम भेजी गई यहाँ, गोताखोरों को या NDRF टीम, कोई व्यवस्था की गई बच्चे की बॉडी ढूंढने के लिए? अभी कोई व्यवस्था नहीं है, और मतलब जो यहाँ के थे वो ढूंढे थे। तो आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जानकारी किसी अधिकारी को दी इस प्रकरण में? नहीं दी। पुलिस को सूचना दी गई है, जानकारी मिल रही, जिले तक जानकारी हो गई है अधिकारियों को? तो इसमें क्या आश्वासन अभी तक मिला, कोई टीम वगैरह, कोई बच्चे की बॉडी ढूंढने के लिए कोई प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया अभी तक? अभी कोई नहीं, नहीं किया गया अभी कोई। तो अब आप लोग क्या करेंगे फिर आगे, कैसे बच्चे की बॉडी ढूंढी जाएगी, कैसे क्या करेंगे आप लोग? अब बुलाया है देखो बाहर से अपने जो पैसे देख के मतलब कुत्ते बाज घुमाएंगे। अच्छा, प्रशासन में अधिकारी कौन कौन से यहाँ से मौजूद थे, आए थे लोग? SDM था, कोतवाल थे। अच्छा, साहब भी आए। अच्छा, बाकी प्रशासन द्वारा कोई मुहिम नहीं उठाई गई, कोई प्रयास नहीं किया गया बच्चे को? ये जो बच्चा डूबा है यहाँ टेढ़ीघाट पे, इसमें कैसा क्या मामला है, पूरी जानकारी बताएं हमें जरा। क्या वो नहाने आया था यहाँ, अम्बावस थी, ठीक है, उसी में आया था, उसी में डूब गया। अच्छा, तो डूबने के कितना टाइम हो गया लगभग? कम से कम 3 घंटे से ऊपर हुआ जा रहा है। तो अभी तक कोई प्रशासन को अवगत कराया गया, कोई पुलिस को, फोर्स को, किसी को सूचना दी गई, अधिकारियों को? अधिकारियों को सूचना दी गई है, वो आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई मतलब कोई टीम ढूंढने के लिए, पानी में घुसने के लिए, कोई NDRF टीम या कोई गोताखोर वगैरह, कोई प्रशासन की तरफ से कोई? अभी कोई भी नहीं आया है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप लोगों ने जानकारी तो दी थी, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई क्या, आप SDM साहब गए वहाँ, क्या कहते हैं, बैराज पे, बैराज का पानी रुकाने के लिए गए। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी प्रशासन द्वारा कोई गोताखोर या कोई NDRF टीम, कोई मतलब NDRF टीम के लिए बात की आप लोगों ने? SDM साहब से क्या बताया? SDM साहब ने ये बताया वो तो यहाँ ही नहीं, कोई टीम नहीं, टीम कह रहे थे यहाँ ही नहीं कोई टीम।